अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल मुत्तफ़िफ़ीन की बाकी की आयात जो हैं वो कवर करेंगे और आयत नंबर 18 से लेकर 36 तक जो जितनी बाकी आयात है वो सब इंशाअल्लाह हम आज कोशिश होगी कि मुकम्मल हो जाए। तो सिस्टर निशात आप आ जाएं, आयत नंबर 18 आप शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी कल्ला हर्फ रदा व जजर, ठीक है। इन्ना हर्फ ताकिद मुसब्बा बिलफेल, बिल्कुल ठीक। किताबा मुदाब अल अब्रारी मुदाफ इलै मरकब इजाफी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। इस मरकब इजाफी की इराबी हालत क्या है और क्यों है? मैम इसकी इराबी हालत नसब है क्योंकि इन्ना ने इसे नसब कर दिया। वेरी गुड। ये जो इसके ऊपर जबर आ रही है इस वजह से क्योंकि इन्ना ने इसको जबर नसब हालत में ले गया। तो अब इसको क्या कहेंगे हम? इसमें इन्ना, इसमो इन्ना, बिल्कुल ठीक। आगे चले जी। लाम लाम ताकिद मुजहलका है। वेरी गुड। फी हो गया हर्फ जर। वेरी गुड। इलीन मरकब जारी बन गया, मजरूर बन के, जार मजरूर बन के। फी इलीन मरकब जारी हो गया। अब ये पूरा क्या बनेगा? ये मैम इस पिन्ना के लिए कायम मकाम खबर इन्ना। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे असली खबर मौजूद नहीं है तो इसको हम कहेंगे कायम मकाम खबर इन्ना। ये पूरा कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, तर्जमा करें। हरगिज नहीं, बेशक नेक लोगों की किताब यकीनन इल्लीयीन में है। बिल्कुल सही, माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया आपने। जी नेक्स्ट आ जाए सिस्टर अलमास। जी सिस्टर अलमास, आपने ज्वाइन तो किया था, आपका नंबर अब मुझे नजर नहीं आ रहा, नाम शायद लेफ्ट हो गया है। चलें कोई और सिस्टर करना चाहें तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाइमा आप स्टार्ट जी, करें। जी जी। वाओ हर्फियत, मा इसमें इस्तेफाम। वेरी गुड। इसमें इस्तेफाम बन के क्या बनेगा? ये फिर मुब्तदा बन जाएगा ना। बिल्कुल ठीक। अदरा का जी, अदरा जो है फेल माजी, वाहिद मुज़क्कर गायब, अफ़अला युफ़इलु, दाल रा और इसमें या इसका मादा है। जी दाल रा या बाकी फाल। जी 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 ठीक। और मा इल्लीयून, अभी इसमें हुआ इसका फाइल हो गया, काफ इसका हुआ फाइल हो गया, काफ जो है ये मफूलुन बिही मंसूब है ना, काफ इसमें जमीर मंसूब और जो मफूलुन बिही हो गया फेल फाइल और मफूल जुमला फेलिया। बिल्कुल ठीक होकर ये जुमला फेलिया होकर ये मुब्तदा के लिए खबर बनेगा महलन मरफू होकर। वो पूरा जुमला करके आगे बनाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है जी। अगला आ गया माँ, फिर माँ इस्तेफामिया आ गया, ठीक हो गया। और ये दोबारा दोबारा मुब्तदा बन गया। इल्लीयून, इल्लीयून जो है एक आला मकाम का नाम है ये, तो जमा है ये, तो ये बन गया ये खबर? जमा का, जमा की तरह है पर जमा नहीं है, जमा नहीं है। हाँ ये सिवा ये, बहुत, हाँ जी जी। तो ये है आगे इसका, ये खबर होगी ना मुब्तदा की, ये खबर बन जाएगा, ये इस वक्त मरफू हालत में है तो ये खबर। जी जी खबर, मुब्तदा और खबर मिलके ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। बिल्कुल ठीक। और फिर ये जुमला इस्मिया पूरा अदरा फेल के लिए कुछ बनेगा? जी ये अदरा फेल के लिए ये भी, फिर ये मफूल बिही टू बनेगा। वेरी गुड, मफूल आसानी हो जाएगा दूसरा मफूल। अब और अदरा फेल अपने दोनों फाहिल के साथ मिलकर ये खबर हो जाएगा
पहले ये जुमला कौन सा बनेगा, कौन सा जुमला? अच्छा जी, सॉरी सॉरी, ठीक है। स्टेप ये है कि ये जुमला फेलिया, फेल अपने ठीक दोनों मफूलों से मिलकर जुमला फेलिया, और है। जुमला फेलिया फिर ये जो है माइस्म इस्तफाम के लिए जो मुब्तदा है उसके लिए ये उसके लिए खबर, खबर बन जाएगा। खबर वेरी गुड। और अब मुब्तदा ये खबर मिलके, मुब्तदा, और खबर मिलके जुमला इस्मिया। वेरी गुड, माशाल्लाह बेहतरीन। अब तर्जमा करें। जी, वमा अदराका, वमा क्या, और आपको क्या मालूम है, मा इल्लीजून के इल्लीजीन क्या है, बिल्कुल वमा ठीक। अदराका, और आपको क्या मालूम है तुम्हें, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुखातिब है ना, तो ठीक है, क्या बिल्कुल आप मालूम, बेहतर। ठीक है, मा इल्लीजून के इल्लीजीन क्या है। इलीजिन क्या है, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने, वेरी गुड। ये सिस्टर किरण आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी शुरू करें। जी, किताबुन जो है ये, इससे पहले उस्तादा ये कहते हैं कि ये कहते हैं मुब्तदा मखसूफ, कहते हैं मखजूम है, महजूफ, मखसूफ, हाँ जी, पहले ये बताइए कि ये कोई मुरक्कब बन रहा है किताब। हाँ जी जी जी, ये पहले तो ये इसम है, इसम और सिफ्त बन कहते हैं मसूफ है, और इसम मसूफ, और आगे जो है ना मरकू, इसकी जो ना सिफ्त बन रहा है, मरकबे तो सिफ ही जी, इसम मफूल का, और मरकू जो ना इसम मफूल का यानी कि सीगा इसका, ये मरकबे तो सिफ ही होकर खबर बन रही है। ये आप देखिए दोनों मरफू हैं, दोनों नकिरा है, और खबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो ये बन जाएगा खबर। तो यहाँ पे फिर आपने जैसे बताया कि हुआ मुब्तदा एक महजूफ माना जाता है जी, तो अब कौन सा जुमला बना फिर ये? ये जुमला जो है ना वो इस्मिया बन गया। ये जुमला इस्मिया बन गया जी। अब इसका तर्जमा करें, पहले सिर्फ किताब व मरकूम का हाँ, तर्जमा करें जी। एक किताब लिखी हुई, या फिर ये हाँ। एक दफ्तर लिखा हुआ, बिल्कुल वो भी हो लिखा सकता हुआ है। जी, वो इसलिए कहा जाता है कि इस मतलब किसके बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वो महजूफ बताया जाता है कि वो एक किताब है लिखी हुई, तो इस तरह से। तो ठीक, अगर ये छोटी सी आयत थी इसलिए 21, आयत नंबर 21 भी आप करें जी जी। यश जी, यशहदु हु, ये कहते हैं शाहिदा, यशहदु फेल मुजारे का सीगा है, वाहिद मुजक्कर मुजारे, वाहिद मुजक्कर गाइब, और हूँ की जमीर जो है वो इसम, आपने इसके वो बताया था बाप कौन सा है? जी बाप समिया, समिया ठीक हो गया, शाहिदा यशहदु सीन से है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे हूँ की जमीर, इस ये जो है मफूल मफूल बन रही है जी, बिल्कुल तो ये ठीक हो हो गया गया। जी, आगे आगे जो हो गया जी, अल मुकर्रबूना, ये इसम मफूल है, और इसके जो है रूट लेटर हैं काफ रा बा, और बाब बाब जो है बाबे तफ़ईल, और करबा युकरिबू जी, आगे तकरीबन इसका मस्तर आता है, तो ये यहाँ जो बामाइने जो है ना फाइल है, क्योंकि इसम जो ना मफूल को ले सकते हैं फाइल के तौर पे जी, ये फाइल हो गया, ये फाइल बनेगा जी बिल्कुल, क्योंकि ये हालत रफा में है। हाँ जी जी रफा में, ठीक है, ये हालत रफा में है, तो ये इस यशहदु फेल के लिए फाइल बनेगा इस्मुल मफूल। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? हाँ जी सर, ये फेल अपने फाइल और मफूल से मिलके जुमला फेलिया हो गया, जुमला फेलिया बन के ये जो ना ये सिफ्त सानी बन रहा है, किताब उनके पीछे जो है वो सिफ्त, इसको बना सकते हैं सिफ्त जो बिल्कुल बिल्कुल उसकी दूसरी सिफ्त सानी बन जाएगा। किताब मरकूम था ना, तो मरकूम उसकी पहली सिफ्त थी, और दूसरी सिफ्त अब इसकी ये बयान हो रही है। पहली सिफ्त प्रॉपर इसम था उसके साथ की, हर सारी उसकी वो तमाम खसूसियात मैच हो रही थी, जो दूसरी सिफ्त है वो पूरा जुमला है, और अब इसको हम जुमला फेलिया को महलन मरफू कहेंगे, क्योंकि इसका जो मौसूफ किताबुन वो हालत रफा में था, तो इसलिए ये पूरा जुमला फेलिया इस वक्त हम कहेंगे कि ये महलन मरफू है। अच्छा आप इसका तर्जुमा करें जी, इसका तर्जुमा ये कहते हैं हाजिर रहते हैं या देखते रहते हैं इसे, उसे मुकर्रब फरिश्ते या मुकर्रब फरिश्ते देखते हैं जी, इसे इसे मतलब यहू की जमीर किधर जा रही है? पिछली आयत में, पिछली आयत जी, हाँ जी किताब की तरफ, हाँ जी यानी उस किताब को देखते रहते हैं।
ठीक हो गया, उस पे हाजिर रहते हैं या निगरान रहते हैं या गवाह रहते हैं। गवाह का मतलब ये होता है, देखने का मतलब यही है कि उसमें देखते हैं, गवाह में रहते हैं। जी ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। नेक्स्ट आयत सिस्टर सायरा आप आ जाए। बहुत अच्छा किया माशाल्लाह सिस्टर किरण आपने। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। जी स्टार्ट करें इन्ना से। जी इन्ना हर पे ताकीद है, नासिबा है, मुशबा बिल पेल है, और अल अबरारा इस्म इन्ना है, और लफी में लाम जो है वो हर पे ताकीद है, और लाम मुजहला मुजहलका भी कहते हैं इसको, और लाम उल इब्तदा भी कहते हैं इसको। लाम उल इब्तदा तब कहते हैं जब ना ये जुमले के शुरू में आता, इस वक्त ये लाम मुजहलका। जी हाँ ठीक है। लामे इब्तदा भी आपने कहा कि भी कहते हैं, तो वो तब मतलब अगर ये जुमले के शुरू में हो तो तब कहते हैं। ठीक जी हाँ। आगे फी जो है वो हर पे जार है, और नाइम जो है वो मजरूर है। जार मजरूर मिलके ये कायम मकाम खबर इन्ना बनती है। बिल्कुल ठीक है, कब जारी पूरा कायम मुकाम इन खबर इन्ना बन गया। ठीक हो गया। अब ये कौन सा जुमला बना? ये जुमला इस्मिया बनती है क्योंकि इन्ना से शुरू हुआ। ठीक वेरी गुड। अब इसका तर्जुमा करें। बेशक तमाम नेक लोग यकीनन बड़े नियमतों में होंगे। बिल्कुल ठीक। बेशक नेकुकार या नेक लोग यकीनन नेमतों में होंगे, और ये नाइम जो है फाइल के वजन पर है, तो इसका मतलब हमेशा वाली नेमतें, दायमी नेमतें। ठीक है, हमेशा जिनमें एक रमा दायमी एक सिफ्त है इसमें कि ये हमेशा वाली नेमतों में मौजूद रहेंगे में रहेंगे। ठीक हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने। सिस्टर जरीन आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, स्टार्ट करें। अल्लाह हर पे जर है और अराई के जार मजरूर हुआ, तो ये दोनों मिलके मुरक्कब जारी हुआ। बिल्कुल ठीक। ये यंजुरुना मुजारे हुआ, मुजारे गायब का जमा सिगा है, और इसका अच्छा ये इसको ना अलल अराई की को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा चले ठीक है, यंजुरुना को ठीक है। ये कौन सा फेल है? ये मुजारे फेल मुजारे। ठीक है, अब बताएं रूट लेटर्स। इसका रूट लेटर है नून ज़ोर रा, और नून का वजन है बाबे नून से। बिल्कुल ठीक। अब इसमें फाइल बता दे। इसमें फाइल हुम की ज़मीर फाइल है। बिल्कुल ठीक। और ये मैंने साथ में ज़ुल हाल जो है ना लिखा है, इसलिए क्योंकि ये जो अलल अराई की जो है ना, इसके बारे में दो राय आप ले सकते हैं। या तो आप इसको इसका हाल बना दें, यन जुरूना का हाल बना दें इस मुरकब जारी को, या फिर आप इसको मुतालिक बना दें। मेरे ख्याल से मुतालिक ज्यादा आसान है। अगर हाल बनाएंगे तो फिर इसलिए होगा कि हाल किसका है, तो जुलहाल फिर ये हुम फाइल होगा, कि ये जो हुम फाइल है उसका हाल बताया जा रहा है कि वो देख रहे होंगे, तो किस हाल में देख रहे होंगे, वो क्या उस टाइम क्या कर रहे होंगे, किस हालत में देख रहे होंगे, तो हाल भी बेहतर है। और अगर मुतालिक बनाया जाए आसान तरकीब के लिए, क्योंकि अमूमन आपको पता है जार मजरूर मुतालिक बनता है, तो आप मुतालिक भी बना सकती हैं दोनों तरीके से। ठीक है दादा। अच्छा अब ये कौन सा जुमला बना फिर? ये बंद वाली आदत है पेन। किसी और का भी माइक क्या ऑन है? ये जुमला फेलिया बना। अब ये जुमला फेलिया जी, ये दूसरी खबर बनेगा इन्ना के लिए। ठीक है, इन्ना अल अबरारा जो पिछली था उसका इस्म इन्ना था अल अबरारा, तो उसकी जो खबर पहले आई थी, अब ये उसकी दूसरी खबर है इन्ना की। अब इसका तर्जुमा करें। वो सब तख्तों पर बैठे देख रहे हो। तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। अब बैठे मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इसका मतलब अंडरस्टूड है कि तख्तों पर वो बैठे हुए होंगे। बैठने का हालांकि यहाँ पे अरबी में कुछ नहीं है, पर हमारी उर्दू जुबान में हमें समझ ला रही है बात कि तख्त की बात हो रही है, तो इट मींस कि वो तख्तों पर बैठे हुए देख रहे होंगे। तो ये हाल इसका बयान हो रहा है कि वो किस हाल में देख रहे होंगे, बैठे हुए टेक लगाए हुए तख्तों पर बैठे हुए होंगे और देख रहे होंगे। तो ये इसका हाल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारा 23 आयत हो गई है जी। नेक्स्ट हमारे साथ सिस्टर नसरीन आप आ जाएं।
जी सिस्टर नसरीन, मैम वो नहीं है। अच्छा तो फिर मोमिना आप ही आ जाएं। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोमिना आप आ जाएं, बताएं तारीफू से स्टार्ट करें। मैम तारीफू फेल मुजारे है, वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा, आइन रा फा मादा है, बाबेदात से, अंता जमीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, फी हर्फ जर है, वुजूहिहिम मुरक्कब इजाफी है और ये फी के लिए मजरूर हो गया बनकर, फिर ये जार मजरूर मिलके मुतालिक फेल हो गया, फिर नजरतन नईम, नजरता मैम इसमें मजदर है, अन नईम भी मजदर है, ये दोनों भी मिलकर मुरक्कब इजाफी बन गए और ये मफूल बिही बन गया। और ये मैम पूरा जुमला जो है फेलिया बन रहा है, फेल फाइल मुतालिक मफूल भी मिलकर जुमला फेलिया होकर महलन मरफू होकर ये खबर थ्री बन गया। वेरी गुड माशाल्लाह, बेहतरीन तरकीब, बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आप तर्जमा करें। तो तारीफू पहचान ले, पहचान लेगा उनके चेहरों में नेमतों की ताजगी को। तू पहचान लेगा। ठीक बिल्कुल ठीक, उनके चेहरों में नेमतों की तरोताजगी को या नेमतों की जहाँ तरोताजगी कहेंगे खुशी को। ठीक आप नहीं कहेंगे बीच में, अंता का तर्जुमा नहीं आएगा पहले, आप तू पहचान लेगा भाई, तू ठीक हो गया माशाल्लाह बेहतरीन। जी नेक्स्ट सिस्टर आ जाए, सिस्टर नरगिस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर नरगिस स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युस्कौना फेल मुदारे मजहूल साफ सीन काफिया इसके रूट वर्ड और हुम फाइल मिन हर्फ जर और ये कौन से बाब से होगा? युस्कौना इसका वैसे जो मरफू होते हैं, मरफू कह रही हूँ, मारूफ जो होता है सका यस्की तो बाब दौत से। ठीक है सका यस्की, ओके मैम। बाब दौत हुम नाइबुल फाइल आप बता चुकी हैं, आगे मिन, मिन हर्फ जर रहीक मखदूम मौसूफ सिफत और ये मौसूफ सिफत मिलके इसम मजरूर मुरक्कब इज़ाफ़ी होके ये मजरूर हो गया। ये मखदूम जो है ये इस्मुल मफ़ूल के वजन पर है, इसम मफ़ूल के, जी इस्मुल मफ़ूल के वजन पर है। सॉरी मेरी अच्छी नहीं है। बिल्कुल सब जो है अपनी तरफ से माशाल्लाह बेहतरीन कोशिश कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जार मजरूर मिल के ये इस फेल के लिए क्या बनेगा? युस्काउना फेल के लिए मुतालिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। अब युस्काउना फेल अपने नाइबुल फाइल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? फेलिया। जुमला फेलिया। बिल्कुल। अब ये जुमला फेलिया जो इन्नल अबरारा जो आया था लफी नाइन वो जो जुमला था उसमें उस इन्ना के लिए ये कुछ और बनेगा, जो अभी एक सीक्वेंस चल रहा है उसकी क्या बनेगा? इसमें इन्ना मौजूद था, ये उसकी एक, हाँ ये जुमला भी उसकी चौथी खबर बन रहा है। ठीक है, उन नेकोकारों के बारे में चार खबरें आई हैं कि वो क्या क्या उनके साथ होगा, उनकी चार खबरें आ रही हैं। ठीक हो गया, तो ये पूरा आप इसका तर्जुमा करें। वो पिलाए जाएंगे ऐसी शराब जिस पर मोहर होगी। सील की हुई मोहर लगी हुई खालिस शराब, रहीक मतलब होता है बहुत लजीज या खालिस शराब, अच्छी वाली, अच्छी वाली। चले अगली जो आयत है ना वो थोड़ी लंबी है तो इसको हम दो पार्ट्स में कर लेते हैं, वैसे भी यहाँ पे ये बीच में एक वफ का साइन भी है। तो नेक्स्ट हमारे साथ आ जाएं जी सिस्टर दानिश्ता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताम इसका मादा है खा तामीम और ये भी मुजा बन रहा है। फिर उसके बाद है हु जमीर है जमीर मुतसिल और ये भी मुजाफ इलैह बन रहा है।
मुजाफ मुजाफ इलैह बनकर मुरकब इजाफी और ये मुब्तदा बन रहा है। वेरी गुड, ये मुब्तदा बन जाएगा। आगे फिर उसके बाद है मिसकुन, ये नकिरा है और ये हालत रफा में है तो ये खबर बन जाएगी। वेरी गुड, कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया, अब इसको बताया जाए, इसको बताएंगे इसको क्या पीछे किस चीज से जोड़ेंगे? ये खबर इन्ना का और एक खबर इन्ना होगा। ये जो था ना रहीक मख्तूम, रहीक की दूसरी सिफ्त, एक है उसकी सिफ्त मख्तूम और अब उसकी ये दूसरी सिफ्त आ रही है रहीक। ठीक है, तो अब इसका तर्जमा करें। उसकी मेहर जमती है मुश्क पर। उसकी मोहर या मेहर मुश्क की होगी, मतलब उसमें खुशबू ऐसी होगी। ठीक हो गया, अब इसका बाकी का हिस्सा करें। वाव है हरफे आतफ और फा है, फी है ये जार हरफे जार, जाली का इसको इस मजरूर बन जाएगा जार। और ये कौन सा कौन सा जाली का कोई खास इसम नाम है इसका, क्या है? इशारा बईद। हाँ बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, ये सब मजरूर हो गया। ठीक, आगे जार मजरूर मुतालिक, फिर उसके बाद हरफे आतफ है। हरफ अतफ भी बना सकते हैं, फसीहा भी बना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे एक शर्त महजूफ है, उसका ये जवाब शर्त है, तो वो मैं जब इंशाल्लाह तर्जमा करूंगी ना तो फिर उसमें बताऊंगी कि क्या वो शर्त बनती है, और अगर वो शर्त वाली बात ना रखी जाए तो फिर आप इसको हरफ अतफ भी बना सकते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आगे लाम, लाम लामे अमर है, फिर उसके बाद ये फेल मुजायर है और ये बाबे तफाउल से है, इसका रूट लेटर है नून फा सीन। बाब तफाउल से है, और ये फेल मुदारी की कौन सी किस्म है, मरफू मंसूब या मजजूम? ये है मजजूम, ये फेल अमर की लामे अमर की वजह से फेल मुदारी मजजूम है। यहाँ पे सीन के ऊपर जजम थी, लेकिन चूंकि अगर जजम होता फिर हम पढ़ ही ना पाते, तो उसके लिए फिर यहाँ पे जेर दी गई ताकि इसको हम तजवीद के रून के मुताबिक यहाँ पे ये जेर आई है ताकि हम इसको पढ़ सकें। तो बाकी आप माशाल्लाह सब कुछ बता चुकी हैं, नून फासीन इसके रूट लेटर्स हो गए, बाब तफाउल से हो गया। आगे आ जाए अल मुतनाफिसून, ये इस्मुल फाइल है क्योंकि इसमें पहले मीम पर पेश है और आयन लेटर पर जेर है। परफेक्ट, माशाल्लाह बेहतरीन, मरफू है और ये हालत रफा में है, बिल्कुल ठीक हो गया। और ये इस्मुल फाइल किस बाब से है? ये भी तफाउल से है, बाब तफाउल से ही इस्मुल फाइल है और इस वक्त ये फाइल बन रहा है या तनाफस फेल के लिए। अच्छा, अब ये बना ये फेल और इसका फाइल, अब ये जो फी ज़ालिक का है ये पूरा बन जाएगा मुतालिक फेल मुकद्दम। ठीक है, पहले आ गया ये फेल से, तो ये मुतालिक फेल मुकद्दम हो गया। फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर कौन सा जुमला बना? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया, आप तर्जुमा करें। और उस पर और उसमें उसमें चाहिए रगबत करे। अच्छा, मुतालिक थोड़ा पहले आया है तो कोई थोड़ा सा ना लबो लजे को चेंज करें, मुतालिक फेल से पहले आया है तो इसके अंदर थोड़ा जोर पैदा करें, उसमें या उसी में? उसी में। और उसी में चाहिए उन पास उनको चाहिए कि रगबत करे, रगबत करने वाले। बिल्कुल, सबकत ले जाने वाले या रगबत करने वाले, ललचाने वाले या मेहनत करके आगे जाने वाले, ये इसके मायने में आता है, मुकाबला करके मेहनत करके किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज की के लिए कोशिश करना, तो रगबत भी कह सकते हैं, सबकत भी कह सकते हैं। तो मतलब ये कि और इसी में सबकत ले जानी चाहिए, चाहिए क्यों किया, क्योंकि ये लामे अमर के लिए हमने ऐसे करना है, उसी में इसी में सबकत ले जानी चाहिए सबकत ले जाने वालों को या रगबत पाने रगबत लेने वालों को या ललचाने वालों को। तो इसमें जो अब शर्त बताई जाती है ना, ये बताई जाती है कि अगर ये जुमला जो मैं उर्दू में बोल रही हूँ, अगर सबकत ले जाने वाले किसी चीज में सबकत ले जाना चाहे, इतना जुमला, तो अब ये जो फा है ना
तो फिर ये आता तो, यानी अब जो अभी शर्त आ रहा है, अगर सबकत ले जाने वाले यानी कोशिश करने वाले या रगबत ले पाने वाले किसी चीज में अगर रगबत हासिल करें तो उन्हें चाहिए कि वो रगबत हासिल करें इसी में, इसी में किस में, वो रही कि मख्तूमन, मतलब उस खालिस शराब के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए, उसको हासिल करनी, यानी जन्नतों की जो नेमतें हैं दायमी नाइम, जो दायमी नामतों में हासिल करने के लिए ही उन्हें कोशिश करनी चाहिए। अगर उन्हें किसी चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए तो फिर उन्हें इसी चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये भी बताया जाता है कि यहाँ पे एक शर्त माजूफ मानी जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे साथ आ जाए सिस्टर जबीन। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी वाओ से स्टार्ट करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन तस्नीम। नहीं वाओ से स्टार्ट करें। जी वाओ हर्फ अतफ है। मिजाजहू, ये मिजाजु ये मुजाफ है और हु ज़मीर ये मुजाफ इलैह, तो मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलकर ये मुब्तदा बनेगा। ठीक हो गया। ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी जो है और इसका जो मादा है वो मीम ज़ा जीम है जो बाबे नून से है और इसका मतलब होता है आमेजिश या मिलाना, मिलावट करना, मिलावट करना, कुछ चीज मिक्स करना। ठीक हो गया। आगे आगे है मिन जो कि हर्फ जर है और तस्नीम ये मजरूर है मिन के लिए, तो हर्फ जर अपने मजरूर से मिलकर मुरक्कब जारी बनेगा और जो मुब्तदा के लिए फिर खबर बनेगा, कायम मुकाम खबर। ठीक है, कायम मुकाम खबर। जी अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये दोनों जुमला मिलकर ये मुरक्कब, ये जुमला इस्मिया होकर ये मातूफ होगा और इसका अतफ हम कर देंगे ये पहले, इससे पहले जो है आयत खितामहु मिस्कुन पर। क्योंकि इसका इससे पहले वाली जो, जी ये पीछे अभी वही अतफ चल रहा है खितामहु बिल्कुल जो था ना उस मिस्कुन, मिस्कुन इसका मातूफ अलैह है, अलैह है जी, क्योंकि अगर मिस्कुन वहां पे थी ना खबर तो इट मींस कि अभी ये खबर चल रही है, चल रही है। पिछली आयत में भी अतफ चला वो भी इसका खबर का हिस्सा बना मिस्कुन का, वो भी मतलब मिस्कुन भी खबर है तो वो भी खबर, अब ये वाली आयत भी खबर बन रही है खितामहु मुब्तदा के लिए। तो अब इसका पहले तर्जुमा कर लें। और इसमें तस्नीम का पानी मिला होगा, यानी इसमें यानी शराब में, और इस शराब में तस्नीम का पानी मिला होगा। इसकी अमेजिश या इसमें जो मिलावट होगी या इसमें जो शामिल किया जाएगा वो तस्नीम से होगा। ठीक हो गया। तो अब ये हर्फ अतफ के लिए बन गया पूरा मातूफ। ठीक। नेक्स्ट आ जाए हमारे साथ सिस्टर साइमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आइनन स्टार्ट करें। आइनन को यशरबू से शुरू करें। आइनन को हम बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है। यशरबू से शुरू करें। शीन और आबा बाबे सीन से शारी वा यशरबु ये फेल है। बिहार माजी मजारे, ये मजारे है। वेरी गुड। बिहार ये मुताले की फेल है। मुकर्रबूना ये काफ राबा बाबे तफील से ये इस्मुल मफूल का सिगा है। और बिहार एक मिनट बिहार के बारे में बताएं। हा के बारे में, हा की जमीरी आइनन की तरफ लौट रही है। बिल्कुल ठीक। और ये बिहार कौन सा मुरक्कब बना? मुरक्कब जारी होके ये मुतालिक बनेगा, मुतालिक फेल। वेरी गुड। अच्छा अब आ जाए अल मुकर्रबून की तरफ। जी अल मुकर्रबून ये है कौफ राबा, कर्रबा युकर्रिबु तकरीबन से ये बाबे तफील का है, इस्मुल मफूल मुकर्रबून। वेरी गुड माशाल्लाह बेहतरीन। और अब ये क्या बनेगा? ये यशरबु फेल के लिए क्या बनेगा? फाइल बन रहा है। फाइल बन रहा है बिल्कुल ठीक। ये मेरी एनिमेशंस आगे पीछे हो गई हैं थोड़ी सी। इस्मुल मफूल होकर ये बाब तफ़ईल से फाइल बन के ये पूरा जुमला फेलिया। अब ये पूरा जुमला फेलिया कुछ बनेगा आइनन के लिए, या आप शायद याद हो मैं बताया था कि अगर नकिरा इस्म के बाद कोई जुमला आ जाए तो वो अमूमन उसके लिए क्या बनता है? सिफ्त बनेगा।
صفت بنتا ہے, تو یہ صفت ہو جائے گا آئینن موصوف کے لیے. ٹھیک, اب آئینن موصوف اپنی صفت سے مل کر اب کیا یہ کچھ بتا سکتی ہیں کیا ہوگا؟ آئینن یہ تو اسم ہے نا, تو یہ جملہ اسمیہ بنے گا؟ نہیں, جملہ اسمیہ نہیں بنے گا, اس کے لیے تو مرفوع ہونا ضروری ہے. مبتدا ہوگا تو بھی مرفوع ہونا چاہیے, خبر بنے گا تو بھی مرفوع ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے جو گرامر کی وہ انالائز کرتے ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ موصوف سے, کیونکہ موصوف اس وقت حالت نصب میں ہے تو منصوبات 13 ہیں, انہی میں سے یہ کچھ نہ کچھ بننا چاہیے. تو یہ موصوف صرف مل کے بتایا جاتا ہے یہ مفعول بن رہا ہے ایک محذوف فعل کے لیے, اس کو بتایا جاتا ہے امدح, یعنی میں حمد کرتا ہوں, مدح ہوتا ہے تعریف کرنا, میں تعریف کرتا ہوں, انا اس میں فائل ہے اور یہ اس کا مفعول بن جائے گا. پھر موصوف صفت مل کے یہ پورا مفعول بنے گا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. اس کے اس فعل کے علاوہ یسقونا, یسقونا, یسقونا جو فعل مضارع مجھول ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پلائے جائیں گے, تو کس سے پلائے جائیں گے؟ آئینن, ایک چشمے سے, پھر اس ایک چشمے کی صفت بیان ہو رہی ہے. تو یسقونا فعل بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ محذوف ہے, یا پھر امدحو فعل بتایا جاتا ہے, دونوں طرح سے آپ اس فعل لے سکتی ہیں کہ ان میں سے کون سا فعل معذوف مانا جائے اگر. تو اب یہ انف امدہ امدہ فعل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب اس کا ترجمہ کریں, ترجمہ کریں آئینن سے. آئینن ایک ایسا چشمہ پلائے جائیں گے اس, نہیں مقرر پہلے فائل کا پلائے نہیں, مجھول کا ترجمہ نہ کریں, یشربو کا ترجمہ کریں یا مقربون سے سٹارٹ کریں, لیکن وہ مجھول کی طرح کا ترجمہ نہ کریں, پلائے نہیں جائیں گے, پیئیں گے. اچھا, پیئیں گے, ایک ایسا چشمہ جس سے پیئیں گے مقرب لوگ. ہاں جی بالکل, اللہ پاک ہم سب کو بھی مقربون میں شامل کریں. دیکھیں یہاں پہ اسم المفعول کا صیغہ آیا ہے. اسم المفعول ایک ہوتا ہے نا مقرب, اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونے والا. ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, لیکن ہمیں یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ ہم مقرب بن جائیں, کہ اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے. وہ کتنے اعزاز والے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے قریب کرے گا, جنہیں اللہ اپنے لیے خالص کرے گا, یا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب کرے گا. ایک تو ہوتا ہے نا ہم خواہش کریں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ خود اپنے قریب کرے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ چشمہ ایسا ہوگا کہ جس میں سے پیئیں گے اس سے مقرب لوگ, یعنی جن کو اللہ مقرب بنائے گا, جن کو اللہ اپنے قریب بنا لے آئے گا, اس میں سے اللہ ان لوگوں کو اللہ اس چشمے سے پلائے گا, تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے, آمین. تو نیکسٹ آیت کے لیے آ جائیں سسٹر راحیلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سٹارٹ کریں. ان حرف تاکید حرف مشبہ بالفعل. الذین اسم موصول. اجرمو فعل ماضی. مادہ جیم را میم باب افعال. ہم فائل. ویری گڈ. جملہ فعلیہ, تو یہ اس میں موصول کے لیے صلہ بن رہا ہے. اچھا ٹھیک, ہاں آگے یہ صلہ بنے گا بالکل, اس کے لیے اسپیس رکھ دی ہے میں نے, کانوں پہ آ جائیں. فعل ماضی ناقص. کاف واو نون مادہ ہم اسم کانا. اور یہ کون سے باب سے ہے؟ باب کانا یکون. مجرد کے کس باب سے ہے؟ باب نون. باب نون سر. ہاں کانا یکون باب نون سے, اور ہم اسم کانا آپ بتا چکی ہیں ماشاءاللہ. آگے من الذین. من حرف جر. آج راحیلہ اتنا ڈر ڈر کے کیوں بول رہی ہیں؟ راحیلہ کیا ہوا آپ کو؟ نہیں یہ اصل میں اسکرین بڑا ہو گیا تو اس لیے. اچھا, آپ نے فنگر سے اس کو زوم کیا ہوگا, وہ بڑا ہو گئی ہوگی اسکرین. پھر
अच्छा अल्लज़ीना कौन सा इसम है? इसमें मौसूल. वेरी गुड. आमनु फेले माजी मादा हमजा मीम नून बाबी इफाल. वेरी गुड. फाइल फाइल हुआ फाइल हूँ फाइल हूँ फाइल हो गया. आगे यद हकून. अच्छा पहले ही नहीं आम जो है ना ये इस मौसूल के लिए कुछ बनेगा सिला बनेगा इस मौसूल बनेगा सिला बन जाएगा इस मौसूल के लिए. अब ये इस मौसूल अपने सिला से मिलकर हरफे जर मिन के लिए कुछ बनेगा मजरूर मजरूर. अच्छा अब यद हकून की तरफ आ जाते हैं मेरे ख्याल से एनिमेशन की जा रहा है अभी जार मजरूर पे जा रहा है. जार मजरूर मिलके ये बन जाएगा मुतालिक मुतालिक खबर मुतालिक की खबर. खबर क्यों मैं बताती हूँ इंशाल्लाह. यद हकून की तरफ आ जाए फेले मुजारे ज़ाद हक काफ हम फाइल बाब ये कौन से बाब से होगा बाब सीन से. बाब सीन और इसमें हम फाइल हो गया. अब ये पूरा जुमला क्या बनेगा काना के लिए खबर खबर और काना की खबर की इराबी हालत क्या होती है मरफू नहीं मंसूब मन ठीक है. काना की खबर इन्ना की इन्ना का इस मंसूब होता है तो काना की खबर मंसूब होती है. तो ये इस वक्त जुमला फेलिया महलन मंसूब है क्योंकि ये खबर काना बन रहा है. अच्छा मैंने इसको मुतालिक खबर कहा यानी कि यद हकून का मुतालिक बनाया कानू का इसम का मुतालिक नहीं इसको बनाया गया. क्यों? क्योंकि ये दहा का यद हीकू जो है ये दही का यद हकू सॉरी मैं बाप दौद से पहले बोल पड़ी दही का यद हकू जो है ये हंसना जिस पर हंसा जाता है ना वो हरफे जर मिन के साथ आता है. जिस पर हंसा जाए तो वो हरफे जर मिन के साथ आएगा. तो जब ये इसका मतलब है कि ये मिन का ताल्लुक फिर इस फेल के साथ है कि किसके ऊपर हंसा जा रहा है. अगर एक होता है ना नॉर्मल हंसना किसी कोई हंसी वाली बात कोई कॉमेडी हुई कोई फनी सी बात हुई और हम हंस पड़े ठीक. लेकिन एक होता है किसी पे हकारत से हंसना तो फिर वहां पे हरफे जर मिन आएगा. किसी के ऊपर हंसना एक हंसना होता है नॉर्मल आम हंसी आज एक कोई बात हुई लेकिन किसी के ऊपर तहकीर से हंसना वो हंसना मुख्तलिफ है फिर ठीक है. तो वहां पे फिर हरफे जर मिन आएगा कि किसके ऊपर हंसा गया है उससे फिर इस मिन से पता चलेगा कि मतलब किसी को हकीर समझ के हंसना या किसी पे किसी को होता है ना मजाक उड़ाते हुए हंसना मजाक उड़ाना उस सेंस में. तो वो फिर इस वजह से ये मीन हरफे जर का ताल्लुक फिर यद हकून से है कानू से नहीं ठीक है ताकि पता चले कि किसी के ऊपर हंसा जा रहा है इस वजह से ये मीन मुतालिक इसका बनेगा. अब कानू इसम इस्मु काना अपनी खबर काना और मुतालिक से मिलकर ये अब मुझे खुद भी नहीं याद कि मैंने पहले एनिमेशन कौन सा डाला है. चले अब आ गया मुझे पता चल रहा है कि इसी का पहले आ रहा है कि ये जो है ना ये बन जाएगा यहाँ पर खबर इन्ना खबर इन्ना. तो इस मौसूल अपने सिला से मिलकर ये बन जाएगा इस्म इन्ना इस्म इन्ना ठीक हो गया. तो अब इस्म इन्ना अपनी खबर इन्ना से मिलकर अब ये कौन सा जुमले इस्मिया ये पूरा जुमला इस्मिया बना ठीक है. ये थोड़ी सी लंबी आयत थी और एक ही जगह पे एडजस्टमेंट करनी थी तो फिर क्योंकि मैं जब लिख टाइप कर रही थी तो मैं अजरमु फेल को किया साथ ही कानू पे चली गई भी सारा आगे करती चली गई. तो फिर मुझे ख्याल आया कि पहले मुझे ये इस्म इन्ना कंप्लीट करना चाहिए था फिर आगे फिर मैं कहा आप दोबारा कौन डिलीट करे और फिर कौन लिखे तो फिर मैंने जाने दिया. अब इसको करते अब इसका तर्जमा करें. बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किए वो उन लोगों पर हंसे थे जो ईमान लाए थे. बेशक जिन्होंने जुर्म किया वो उन लोगों पर जो लोग ईमान लाए वो हंसा करते थे. क्यों? क्योंकि कानू जब काना या कानू की पूरी गर्दान जो है जब उसके साथ फेल मुदारे आ जाए फेल माजी काना के साथ फेल मुदारे आगे आ जाए खबर बन के तो फिर ये जो है पास कंटीन्यूअस में चला जाएगा माजी इस्तमरारी
मतलब किया करते थे, ऐसा तर्जमा होगा। फिर वो हंसा करते थे, और वही बात है, किस पर हंसा करते थे? मिनल लदीन यधाकून, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मिनल लदीन का ताल्लुक हंसने इससे है, यधाकून से है, ये फिर हम उसको कानून के साथ नहीं मुतारिक बनाएंगे। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमारी ये बड़ी आयत भी मुकम्मल हुई जी। नेक्स्ट आ जाए सिस्टर राबिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुरू करें। वाओ हर्फे अतफ है, इजा इसमें शर्त है और ये मुजाफ बनकर आते हैं। मर्रू फेल माजी है, और ये जो दो जुमले अगर आगे हम आपको आपको अगर दो फेल नजर आ रहे हो तो इट मींस कि अब ये शर्त भी बनेगा। इजा जो है ये शर्त का मफहूम लेगा क्योंकि दो जुमले आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो मर्रू पे आ जाए। मर्रू मीम रा रा बाबे नून से और फेल माजी है जी, और ये इज़ा के लिए मुज़ाफ़िला भी बन जाएगा। हाँ, वो बाद में अगर करना चाहें क्योंकि अभी हम शर्त अच्छा। को मेन रख रहे हैं ना, तो इसलिए मुदाफ मुदाफ़िला को साइड पे कर लेते हैं। अच्छा। तो मेन अब शर्त और जॉब शर्त निकालेंगे हम इसमें। तो मर या मुरु आपने बता दिया बाबे नून से है, और हुम इसमें फाइल हो गया, बिहिम की तरह फाइल हो गया जी। आगे बिहिम है, ये मुरक्कब जारी है और मुरक्कब जारी मुतल्लिक बन जाएगा मर्रू फेल के। यतगा मजूना ये फेल मजा। अच्छा, अभी ऐसा करते हैं यहाँ पे इसको मैं इसको यहाँ तक जो इदा मर्रू बिहिम एक जुमला कंप्लीट हो गया ना, तो इसको यहाँ पे कह देंगे कि ये जुमला फेलिया शर्तिया है। अब आगे हम यतगा मजून की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो यतगा मजून ये फेल मजारी है, गैन मीम दा इसका मादा है और ये है बाबे इफ्तियाल से। बाबे इफ्तियाल, बाबे इफ्तियाल में अलिफ कहाँ से आता है? इसमें देखें ताए की इजाफी है और एक अलिफ इजाफी है जी। तो अलिफ किसके अंदर आता होता है? अच्छा, अलिफ से दो बाब में आता है। इफ्तियाल है क्या ये? नहीं नहीं, वो हमजतुल कता होता है जो शुरू में आता है, ये अलिफ है। अच्छा। ये हमजतुल वसल भी नहीं, ये अलिफ है। ये अलिफ जो है ना सिर्फ दो बाबों में दरमियान में आता है। मुफाला और एक है वो तफाउल। हाँ। तो ये तफाउल बाब से है, एक है मुफाला और हाँ तो ये तफाउल बाब से है। ठीक हो गया। अब इसका हुम फाइल हो गया, हुम इसका फाइल हो गया जी जी। तो अब ये पूरा बन गया। अब ये पिछला वाला हिस्सा हमने बनाया था जुमला फेलिया शर्तिया, तो अब ये वाला जुमला कौन सा बनेगा पूरा? ये उसका जवाब शर्त बन जाएगा क्या? जवाब शर्त, ये पूरा पिछला वाला जुमला फेलिया शर्तिया और ये अगला हिस्सा जुमला फेलिया जवाब शर्त हो गया। अब ये पूरा जुमला शर्तिया बन गया जिसके अंदर शर्त और जवाब शर्त है, तो ये पीछे हर्फ अतफ के लिए मातूफ बन जाएगा, मातूफ हो जाएगा। ठीक, आप तर्जुमा करें। तर्जुमा वाइजा और जब मरुबिहिम गुजरते थे उनके पास से यतगा मजूना तो आंख से इशारा करते थे। बिल्कुल ठीक, तो एक दूसरे को आंखों से इशारा करते थे। सिर्फ आंख से इशारा करना नहीं, एक दूसरे को जरूर लेते हैं क्योंकि ये बाब तफाउल आ रहा है ना, इसमें यही होता है कि शराकत चलती है, मतलब कि आप ये भी कह सकती हैं तो वो आपस में आंखों से एक दूसरे को इशारा करते थे या फिर एक दूसरे को आंखों से एक दूसरे या आपस में, ये ऐसा जरूर लिखें जिससे पता चले कि हम बाब तफाउल में हैं। ठीक, ये उसकी खास खसूसियत है। ठीक हो गया। नेक्स्ट माशाल्लाह बेहतरीन कि आपने भी सिस्टर शाइमा, आप आ जाए जी। सिस्टर शाइमा आ जाए शाइमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और सिस्टर आ जाए। दानिश्ता, मोमिना कोई भी आ जाए।
जी मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोमिना स्टार्ट करें। मैम वाव हर्फ है और इजा इस्म ज़र्फ़ है, इजा यहाँ पर ज़र्फ़िया शर्तिया होकर मफ़ूल फी मुकद्दम बन गया अपने आगे आने वाले फेल इनकलबू के लिए। वेरी गुड। ये मैंने पिछली जो भी स्लाइड थी उसमें भी बताना था, ज़हन में नहीं रहा कि इज़ा को आप यहाँ पे मफ़ूल फी ही भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जब का मफ़ूम दे रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये किसी जगह का मकाम का जब होता है तो उसको मफ़ूल फी ही बनाया जाता है। ठीक, तो आगे इन इसके बाद जब दो जुमले आते हैं तो पहला जुमला जो कि या इनकलबु इला हलीम शर्त बनेगा और दूसरा जुमला इनकलबु फाकिहीन ये जो फकीहीन ये जवाबु शर्त बन जाएगा। तो इनकलबु ये माजी है, जवा मुजक्कर गायब, काफ लाम बा माता इनफियाल बाब इनफियाल से हुम फाइल है, इला हर्फे जर है, अहलिहिम मुजक्कर इजाफी हो गया मुरक्कब इजाफी बन के ये इला के लिए मजरूर हो गया और ये जार मजरूर के मुतालिक फेल इनकलबु के। फिर पूरा जुमला जो है ये फेल अपने फाइल मुतालिक मफूल फी मुकद्दम से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये शर्त बन गया यहाँ तक। वेरी गुड। इनकलबु माजी है, जमा मुजक्कर गायब का सिगा, काफ लाम बा मादा है बाब इन्फियाल और हम इसका जो है ये वैसे अभी जुल हाल बन जाएगा फिलहाल। फकीहीन ये जो है ये भी मंसूब इस्म है इसलिए ये हाल बन जाएगा इनकलबू के अंदर हम फाइल का। वेरी गुड। ये हाल बन गया, जुल हाल हाल से मिलकर अब ये फाइल बनेगा इनकलबू का। वेरी गुड। फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाबु शर्त बन गया। वेरी गुड। और ये शर्त अपनी जवाबु शर्त से मिलकर ये जो है जुमला शर्तिया बना और ये वाव आतिफा है जो वाव आतिफा के जरिया ये पिछले जुमले पर आतिफ कर दिया जाएगा। आतिफ कर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक। आप तर्जमा करें। और जब वो अपने घर वालों की तरफ लौट कर जाते थे तो लौटते थे दिल लगी करते हुए या मजाक करते हुए। तो वो लौटते थे इतराते हुए या दिल लगी करते हुए मजाक करते हुए मतलब लौटते थे। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट बहुत बेहतरीन माशाल्लाह सिस्टर मोमिना। सिस्टर नेक्स्ट वाओ यहाँ अतफ हो रहा है और इजा जो है ज़र्फ़े ज़मा शर्तिया दातु बना और मज़ाफ़ इजा मज़ाफ़ बनता है। राउहुम ये राउ जो है मफूल फी ही भी क्योंकि आगे फेल आ रहा है तो उसका मफूल फी ही बना ले वो ज्यादा बेहतर है। आगे राउ हमजा या मादा हुआ और फेल माजी नाकस है, हम इसका फाइल। आपने इसके मादा क्या बताया? रा हमजा या। हाँ ठीक है, मैं समझी शायद आपने कहा हमजा रा या। ठीक है, रा हमजा या और फेल माजी नाकस। नहीं नाकस तो नहीं है ये मैम, या नहीं आ रहा इसके अंदर। अच्छा आप उस सेंस में कह रही है, मैं को काना यकूनु समझ क्या बोल रही है। नहीं वो तो नाकिस के रूल होते हैं ना, नाकिस का रूल होना और चीज है, ये फिर माजी नाकिस ना कहें वो फिर, क्योंकि फिर माजी नाकिस का मतलब है काना यकून। ठीक है, नाकिस का रूल कहेंगे, यहाँ पे नाकिस का रूल अप्लाई हो रहा है कायदा मतलब। ठीक है, क्योंकि या नाकिस है यहाँ पर तो इस वजह से। ठीक हो गया, तो बाबे से आता है जी बाबे इफाल है, ये हुम इसका मफूल हुआ और जो इसके अंदर फाइल कौन सा होगा? ये हुम तो मफूल हो गया और फाइल क्या होगा इसमें? ये फाइल में फाइल भी हुम हुआ, हुम होगा बिल्कुल, हुम इसमें फाइल है और हुम ही मफूल है। ये लास्ट था राआयू, राआयू तो ये जो या है ना यू था, यहाँ पे या भी था तो वो दो हरफे इला जब इकट्ठे आ जाएं तो फिर या को ड्रॉप करना पड़ा, वाव को तो नहीं ड्रॉप कर सकते क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये वाव जो है जमा का सीगा है।
इस वाउ से ही पता चलता है कि यहाँ पे ये हम यहाँ पे फाइल है, तो इसलिए या को ड्रॉप किया जो मादे का हर्फ था, तो इसलिए आपको यहाँ पे या नजर नहीं आ रहा। आगे आ जाते हैं कालू की तरफ। कालू फेल माजी है, काफ वाउ लाम इसका मादा है और फाइल इसका हम है। बाबे नून से आता है और ये भी हम फाइल हो गया। आगे 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 जवाबुल शर्त है इन्ना, ये हर्फे ताकीद है, मुशबा बिल फील है। इन्ना ने उलाई को नसब कर दिया और ये इसमें इशारा है और इसमें इन्ना है, इसमें इशारा हो गया, इसमें इन्ना हो गया। आगे लाज़ालून, लाम जो है वो लामे मुजाहिल का है, लामे ताकीद भी कहते हैं इसको, और ज़ालून ज़ाद लाम लाम मादा हुआ और हम इसका फाइल हुआ और ये खबरु इन्ना हुआ। वेरी गुड, ये खबर इन्ना। अब ये पूरा कौन सा जुमला बना, इस्म इन्ना और खबर इन्ना मिलके कौन सा जुमला बना? जुमला इस्मिया बना। जुमला इस्मिया, अब ये जुमला इस्मिया जो है ना पूरा मफ़ऊल बनेगा कालू फेल के लिए, मकूला हो गया ना, उन्होंने कहा, तो क्या कहा, जो कहा जाता है वो मकूला मफ़ऊल बनता है और वो मफ़ऊल बना था पूरा जुमला इस्मिया। अब कालू फेल अपने हुम फाइल और मफ़ऊल से मिलकर ये पूरा जो है ना बनेगा जवाब शर्त। और ये पहला वाला जो था राहुम, अपने फाइल मफ़ऊल और इधर शर्तिया मफ़ऊल फीही से मिलकर बन गया जुमला फेलिया शर्तिया और आगे उसका जवाब शर्त ठीक हो गया। और फिर ये पूरा मातूफ बन जाएगा, ये वाउ अतफ है तो उसकी वजह से मातूफ भी बन जाएगा, अभी पिछली बात पे अतफ चल रहा है। तो आप इसका तर्जमा करें, और जब वो देखते, यानी वो देखते जो पीछे अतफ हो रहा है, जब वो नेक तो या जिनको अल्लाह ने मुकर्रब करना है उन लोगों को देखते तो कहते बेशक ये सब हम मौजूद है ना, जब वो देखते उन्हें हम मौजूद, जब देखते उन्हें तो कहते बेशक ये सब ही गुमराही पर हैं, गुमराही पर हैं, भटके हुए हैं। ठीक हो गया, दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये कंप्लीट हुई आयत। नेक्स्ट आयत के लिए आ जाएं। बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह सिस्टर कौसर। सिस्टर साजिदा आप आ जाएं। जी मैम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बड़े अरसे बाद आपकी आवाज सुनी है मैंने। जी मैम, वो असल में लाइट नहीं होती और दूसरा मैं थोड़ी सी मसरूफ होती हूँ इस वजह से। पढ़ना पढ़ाना माशाल्लाह भी बहुत करती हैं, अल्लाह ताला आपके पढ़ाने में बहुत बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस आप जैसा तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करते हैं। आप सब बहुत अच्छा करती है, मेरा दिल खुश होता है माशाल्लाह आप सब। माशाल्लाह मुझे फील होता है कि माशाल्लाह कि आप जो हमने सूरतुल नास से शुरू किया था और अब जो माशाल्लाह आप जिस तरह से रवानगी से आप सब करती हैं, मेरा दिल बहुत खुश होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। शुरू करें वाव से। मैम यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाव हालिया आएगा। बिल्कुल ठीक। और मा नाफिया, मा नाफिया है। और उर्सलु जो है वो फेल माजी मजहूल है। ये फेल माजी मजहूल जमा इसके रूट अरसला रासीन लाम। रासीन लाम, अब आप अब जब को रासीन लाम पता चल गया तो अब आप बताएंगे कि हमजतुल कता क्यों शुरू में, ये कौन से बाब से होगा? ये बाबे इफाल से है, ये मजहूल का। वेरी गुड, इस वजह से हमजतुल कता शुरू में है। ठीक, अब इसका नाइबुल फाइल, अब इसका नाइबुल फाइल जो है वो अलैहिम जार मजरूर नहीं, हम सॉरी, हम इसका नाइबुल फाइल है। हाँ, क्योंकि ये पहले और चौथे सीगे के अलावा सीगा है ना, उन 12 सीगों में से, तो नाइबुल फाइल हमेशा इसके अंदर ही होगा, अंदर है। बिल्कुल, और ये हम ज़मीर इसका ज़ुल्हाल बन रही है मैम। ये ज़ुल्हाल भी बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। आगे जो इसका आएगा हाफिज़ीन, इसका हाल आएगा तो उसका ये ज़ुल्हाल है। आले आला जार और हिम जो है जार मजरूर, ये मुतल्लिके फेल हो गए उर्सलु के। ठीक है, हाफिजीन जो है ये मस्दर है और ये हाल बन गया उस हम ज़ुल्हाल का। ठीक है, ये इस्मुल फाइल है, इस्मुल फाइल, हाँ इस्मुल फाइल है, बाबिसीन से होता है ये, हाफिज़ा यहफ़ज़ू, और इस्मुल फाइल हाल बनेगा और हज़ुल हाल है हुम नाइबुल फाइल, यानी उन्हें भेजा गया, तो किस हाल में भेजा गया तो वो बताया जाएगा। जी तो अब यानी कि
حافظین مل کے اب اس کا یہ پورا فائل کمپلیٹ نائب الفائل جی بالکل اس کا وہ کمپلیٹ ہوگا. فعل اپنے فائل نائب الفائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر حال بنا. یہ پورا جملہ پھر حال بنے گا, یہ پورا جملہ بھی حال بن جائے گا کیونکہ یہ واو حالیہ شروع میں آ گیا, کیونکہ یہ کالو کا حال بنے گا. پیچھے کالو کی ضمیر جو ہم ہے نا, یہ اس کا حال مجھے لگتا ہے بنے گا, ان کا حال بن جائے گا. آگے اس کا ترجمہ کریں. وما اور وا اس حال میں کہ ما نہیں ارسلو وہ بھیجے گے علیہم ان پر یعنی مومنوں پر حافظین محافظ بنا کر نگہبان بنا کر یا نہیں بھیجا گیا انہیں مومنوں پر محافظ بنا کر یا نگران بنا کر نگران بنا کر ٹھیک ہو گیا. حالانکہ بھی کہہ سکتی ہیں, جبکہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا یا حالانکہ انہیں نہیں بھیجا گیا ان پر نگہبان. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ بہت اچھا کیا ماشاء اللہ آپ نے بہترین. سسٹر فضیلہ آپ آ جائیں. جی سسٹر فضیلہ میں وہ ایبسنٹ ہے. آج وہ نہیں ہے. چلے نیکسٹ کون سی سسٹر کرنا چاہیں گی؟ میں ہی کر دوں. کرا لیجیے. بالکل آ جائیں سسٹر رابعہ. آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ کرا لیجیے. مومنہ زیادہ اچھا کرتی ہے. جی میں آپ کی بہن ہے نا اس لیے بہت اچھا کرتی ہیں ماشاء اللہ. سسٹر رابعہ اور سسٹر مومنہ دونوں ماشاء اللہ سسٹرز ہیں. اچھا جی سسٹر مومنہ آ جائیں سٹارٹ کریں. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ آیت جو ہے یہ فا فصیحہ ہے. فا فصیحہ جو ہے ایک چھپی ہوئی شرط کے جواب پر آتی ہے. جملہ جو ہے جواب شرط بنے گا ایک مقدور شرط کے لیے. تو میم اس کو تھوڑا سا ایسے کرنا پڑے گا. الذین آمنوا یتقون الیوم من الکفار تب یہ بیٹھے گا. صحیح صحیح. تو الذین اس میں موصول ہے. آمنو جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بن جائے گا الذین کا, اور یہ الذین آمنو سے مل کر مبتدا ہو جائے گا. آمنو کو پہلے اس کا پورا بنا دیں. جملہ اچھا حمزہ میم نون جی مادہ باب افعال سے, اور اس کا جو ہے ہوا فائل ہے نہیں ہم فائل ہے. ہم فائل ہے. فاعل ضمیر مرفوع جی صلہ بنے گا. صلہ بنے گا الذین کے لیے, اور یہ اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا بن گیا. پھر یز حکونا مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. اچھا من الکفاری. من الکفاری جار مجرور ہے. جی میم یز حکونا جو ہے مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ. داد ہا کاف مادہ ہے باب سین سے. ہم فائل. پھر الیوم جو ہے اس میں ظرف ہے, اور یہ مفعول فی ہی ہو جائے گا یا سکونہ فعل کے لیے. فعل کے لیے مقدم ہو جائے گا, پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ من الکفاری جار مجرور ہو کر متعلق. اچھا یہاں پہ جو من الکفاری ہے نا, یہ اس کا دو طرح سے ترکیب ہوتی ہے. ادھر میں نے ایک طرح سے کیا, دیکھتے ہیں ابھی آپ کون سی کرتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نا دوسری والی بھی بتاؤں گے انشاءاللہ. یہ مرکب جاری ہو کے پہلے ید حکون کو دیکھتے ہیں کہ یہ خبر ہو گیا. الذین آمنو جو ہے یہ بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے. اور اس کی خبر ہے ید حکون کہ جو ایمان لائے وہ ہنستے ہیں. جو ایمان لائے وہ ہنسیں گے یا وہ ہنستے ہیں. آگے یہ کہ وہ میں نے بتایا تھا کہ ید حکون کا تعلق جو جس حرف جر کے ساتھ آتا ہے وہ من کے ساتھ آتا ہے. تو اس مل کفار کا تعلق پھر ید حکون کے ساتھ ہوگا, آمنو کے ساتھ نہیں ہوگا. جی آمنو پیچھے یہ فعل تو بندہ سوچتا ہے کہ شاید آمنو کا یہ مطالب بنے گا. نہیں, کیونکہ من ید حکون کے ساتھ جب آگے من کہیں نہ کہیں اگر آگے پیچھے آتا ہے تو پھر اس من حرف جر مرکب جاری کو ہم ید حکون والے فعل کے ساتھ ہی کنیکٹ کریں گے. جی یہ یا سکونہ کے متعلق ہو جائے گا. ہاں جی جاری ہو کے. اچھا وہ دوسری ترکیب میں اب آپ کو ساتھ ہی بتاتی چلوں کہ اگر یا تو یہ کیا جائے کہ ید حکون فعل اپنے فائل اور متعلق اس کو متعلق بنا دیا جائے من الکفاری کو. من الکفاری جی پھر پورا جملہ فعلیہ بن کے یہ خبر بنے. جی یہ پورا جملہ فعلیہ بن کر خبر بن رہا ہے مبتدا کے لیے.
जी जी एक एक तरकीब ये हो गई। दूसरी तरकीब ये है कि आप यद हकून फेल बन के फाइल के साथ खबर बन गया और मिनल कुफार ही जो है ना ये पूरा मुतालिके खबर बन गया, फिर इसको मुतालिके फेल नहीं बल्कि मुतालिके खबर कहना चाहिए, यानी बात मुतालिक किसी के ही होगा लेकिन यहाँ पे आप खबर करके होगा, तो फिर ये बनेगा इस तरह से जुमला के मुतदा अपनी खबर और मुतालिके खबर से मिल के फिर पूरा जुमला इसमें बने, तो ये दोनों तरह से ठीक है। चाहे हम वही बात है कि चाहे हम इसको मुतालिके खबर बनाए तो भी बात याद हकून की तरफ ही जाएगा ये मुरकब जारी, या इसको हम मुतालिके फेल बना दें तो भी वो याद हकून के ही मुतालिक बनेगा, बस सिर्फ ये चेंज आएगा कि वो पूरा जुमला फेल या फिर बनाया जाएगा जिसमें फाइल भी होगा मुतालिके फेल भी होगा और अलयौमा मुझे जहाँ ये मफूल फी ही मिल के ये पूरा फिर जुमला फेल या बना के उसको खबर बनाया जाएगा, बस फिर दो जुज बन जाएंगे जुमला इस्मिया के मुब्तदा और खबर और फिर वो जुमला इस्मिया। यहाँ पे आपने जुमला इस्मिया के अब तीन जुज बना दिए हैं मुब्तदा खबर और मुतालिके खबर, तो इस तरह से भी बनाया जा सकता है, दोनों तरह से ठीक है। तो अब तर्जुमा करें, फिर आज ईमान लाने वाले काफिरों पर हंस रहे होंगे, जो ईमान लाए थे हंसी कर रहे होंगे कुफार से या कुफार पर, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये वाली जो है ना इसको जल्दी से मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि एग्जैक्टली ये वही वाली आयत है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलल अराई की जार मजरूर होके ये मुतालिक बनेगा या फिर इसको हाल बनाया जाएगा, यंजरूना फेल मुदारे नजरा बाबिनून से आता है हूँ फाइल, और ये या तो हाल बना लें या मुतालिक बना लें, हाल बेहतर है जुमला फेलिया हो जाएगा और ये जुमला फेलिया पूरा फिर हाल बन जाएगा पिछली आयत का, और तर्जमा इसका भी वही है कि तख्तों पर बैठे देख रहे होंगे। तो अब लास्ट आयत सिस्टर नजमा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी सिस्टर नजमा स्टार्ट करें। जी मैम, हल जो है हरूफ इस्तफहामिया है और सुविब ये बाबे तफीम से सुविब या युसुविब और आगे जो है वो अलकुफारे वाबु होगा, अगर फिर मुदारे कर रही है तो वाव के ऊपर जबर आ जाएगी युसुवाबु क्योंकि ये मजहूल का सीगा है ना, तो ये मजहूल का सीगा है और आगे आगे कुफारे नायबुल फाइल होगा उसका मैम। हाँ तो ये बात तो फेल से है और अल कुफारू जो है ये नायबुल फाइल हो गया। आगे माँ अजय, माँ क्या है? माँ इसमें मौसूल है और आगे कानू है जो फैले नाकिस है और ये जमा मुजक्कर गायब है, जमा मुजक्कर गायब है और उसके बाद ही ये कानू जो है इस्म कान होगा मरफू मुत्तसिल इसमें जो है वो जमीर है, उसके बाद या फैलून फाइन नाम इसका मादा है और जमा मुजक्कर गायब फैल नाकिस है, फैल मुजारे है और महलन नसब होगा क्योंकि ये काना की खबर बनेगी और काना जो है वो इस्म काना है जिसमें मरफू मुत्तसिल जमीर थी और ये जो है वो इस्म कान अपनी खबर से मिलके ये इसमें मौसूल के लिए सिलतुल मौसूल बनेगा और फिर सिलतुल मौसूल अपने इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल से मिलके मैम ये मैंने इसी तरह समझा था कि मफूल भी ही बन रहा है क्योंकि माँ अब उसका मफूल जी 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 उसके लिए ये इसमें मफूल है और उसके बाद जो है ना ये जुमला पूरा कौन सा जुमला बना, जुमला फेलिया फेल माजी मजहूल अपने बिल्कुल फाइल और मफूल से मिलके जुमला फेलिया हो गया। आप तर्जुमा करें। तर्जुमा ऐसे होगा कि क्या काफरों को उसका बदला दिया जाएगा क्योंकि जाएगा नहीं दिया गया क्योंकि मजहूल में करेंगे ना, क्या पूरा पूरा बदला दे दिया गया? अच्छा दे दिया गया जो वो किया करते थे, जो अमल वो किया करते थे, किया करते थे क्यों? क्योंकि काना फिल माजी की गर्दान आई है फिल मुदारे के खबर बन के जो आ रहा था, तो जब ये दो कम्बिनेशन इकट्ठे आ जाएं तो फिर किया करते थे इस तरह का तर्जुमा किया जाएगा।
और यहाँ पे सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरा क्योंकि बाप तफ़ईल से आ रहा है ये, तो फिर इसलिए सिर्फ बात ये नहीं होगा क्या बदला दिया गया, तो फिर इसमें थोड़ा सा एग्जैगरेशन कायम की जाएगी, थोड़ा सा एक काम को बार बार के लिखा जाएगा, यानी कि क्या पूरा पूरा बदला दिया गया इस तरह से, क्योंकि बाप तफ़ईल से है ये। क्या कह रही थी आप सिस्टर नजमा? मैं ये पूछना चाह रही थी मैम कि ये जो माँ इसमें मौसूल के अंदर जो आयत की जमीर है माजूफ, वो माजूफ है, ये क्या मतलब हुआ इसमें कि माँ के अंदर जमीर है आयत? नहीं क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि हम लोग जिसा के अल्लादीना जब आए मिसाल के तौर पर, अगर यहाँ पे ये जमा का सीगा है ना, पीछे अगर अल्लादीना होता तो फिर हम होता ना हम जो मैच करते थे, हम कहते थे कि ये हुन की जमीर पीछे देखें अल्लादीना की तरफ जा रही है, तो वो यहाँ पे ये जमीर पीछे नहीं जा रही, ठीक है, वो यहाँ पे कोई मफूल होता तो वो फिर उसको उसकी तरफ लेके जाया जाता, ठीक है। तो आगे है यहाँ पर, यहाँ तक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आयात हैं कंप्लीट हो चुकी हैं, सूरतुल मुतफ़िफ़ीन काफी लंबी सूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हो गया। दुआ मांग लेते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير السلام جزاك الله خير السلام الله باقي الجميع